हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर आर्ट एंड कल्चर पर, जिसको आप लोग हिंदी में कला एवं संस्कृति के नाम से भी जानते होंगे। ये क्लासेस हैं आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए हैं। यहाँ पर हम लोग पीटी और मेंस दोनों को देखते हैं। यहाँ पर आपको आज मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, तो आप लोग देखिएगा किस तरह से मेंस की आंसर राइटिंग की जाती है। देखिए, यूट्यूब पर बहुत ही कम ऐसे चैनल आपको मिलेंगे जहाँ पर पीटी और मेंस दोनों के लिए स्पेशली पढ़ाया जाता है और मेंस की इस तरह से आंसर राइटिंग कराई जाती है। तो एक लाइक तो बन रहे। ओके, तो जिन लोगों ने हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच और अचीवर बैच में एडमिशन लिया है, तो उन लोगों की देखिए 3 दिनों से आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर अटेंड कल्चर पे मिल रही है। अब डेली आपको शाम को 9 बजे क्लासेस आपको मिल जाया करेंगे, आपको आकर के देखनी है। अभी ऐप पर क्लासेस नहीं चल रही है आप लोगों के लिए, यहाँ पर ही क्लासेस मिला करेंगी। अभी आपको कुछ दिनों तक 4-5 दिनों तक रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, बाद में लाइव क्लासेस 9 बजे से मिलने लगेंगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर वो है स्थापत्य कला। पहले दिन हम लोग डिस्कशन किए थे यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो उसमें आपको बताए थे कि जिसको वास्तुकला, स्थापत्य कला या फिर आर्किटेक्चर के नाम से आप लोग जानते होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस दोनों के लिए। तो इसमें हम लोग स्थापत्य कला में स्तूप आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेक्चर नंबर 5 है। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो बाद में जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों को 10 से 15 पेज स्किप करके फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है। और इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों को यहाँ पर नोट्स भी बनवाए जाते हैं प्री और मेंस दोनों के लिए, कुछ पढ़ने के लिए भी एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे देते हैं। जो भी न्यू मेंबर हैं वो लोग ध्यान से इस सूचना को सुन लें। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस, साथ में यूपीएससी जिसको आप लोग आईएएस के नाम से भी जानते होंगे, ये 3 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इतना सारा प्यार YouTube पर दिया, तो हमने सोचा कि चलिए एक एक बैच YouTube पर भी क्यों ना पढ़ाया जाए आप लोगों के लिए। ओके, तो हमारी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर आप लोगों के लिए ये सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी और 1 साल तक यहाँ पर ये जो बैचेस हैं ये चलने वाले हैं। आप लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो YouTube पर बना दी है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स या ऊपर आई बटन में आप लोग देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए। सैकड़ों लोगों ने वहां पर फॉर्म फिल कर दिए हैं और सैकड़ों लोगों ने वहां पर कमेंट भी किया है, लाइक भी किया। आप भी जाकर के जल्दी से कमेंट कर दीजिए उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और देखिए, जो हमारा 10,000 का टारगेट है, ये तो आप लोग बहुत जल्द से आप पूरा कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेजी से अपनी जो फैमिली है आप लोगों की वजह से बढ़ रही है। आप लोग इतना सारा प्यार कर रहे हैं, शेयर भी करते हैं, आप लोग हमारे लेक्चर काफी पसंद आते हैं। इसी तरह से आप लोग प्यार करते रहिए, आपको बहुत कुछ हम लोग नया ले लेकर के आते रहते हैं। ओके, देखिए, जो सेकंड फाउंडेशन बैच और देखिए यहाँ पर अचीवर बैच में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, उन लोगों की 9 बजे क्लास चल रही है। अभी जो नया बैच स्टार्ट होगा उसकी जो क्लासेस है वो एकदम जीरो बेसिक से स्टार्ट होंगी। ये हमारे जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं वो वहां पर क्लासेस कर रहे थे, तो उनका थोड़ा सा कोर्स बचा हुआ है, वो 9 बजे कवर कराया जा रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ये अचीवर बैच और सेकंड फाउंडेशन बैच की यहाँ पर क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की। ओके, तो जिन लोगों ने हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो हमारी ऐप को इंस्टॉल कर ले, तो यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ मिल जाया करेगा। अभी नहीं, जब आप लोग जब 27 जून से जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब आप लोगों के लिए मिला करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज भारतीय कलाओं के बारे में हम लोग अपने यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिये, भारतीय कलाएं जिसको आप लोग इंडियन आर्ट्स के नाम से भी जानते होंगे, इंडियन आर्ट्स के नाम से भी जानते होंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, भारतीय कलाओं के अंतर्गत हम आपको बताए थे सिलेबस में, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसी में आपको देखने को मिलेगा स्थापत्य कला। क्या देखने को मिलेगी आप लोगों को यहाँ से नोट करके रखना है। और देखिए, नोट करते चलिए और आपको जो भी लिखाया जाएगा उसको अच्छे से नोट करिए, यहाँ से आपके नोट्स भी बनेंगे। किसी से नोट्स मांगने की आवश्यकता नहीं है, ना ही प्री के लिए ना ही मेंस के लिए। ओके, तो नोट्स ही आपकी क्या है, संपत्ति है, तो संपत्ति अपनी बनाना स्टार्ट करिए। ओके, तो और जिन लोगों ने आज से ही लेक्चर स्टार्ट किया है तो वो कितने पेज छोड़ सकते हैं, 10 से 15 पेज आप लोग छोड़ के फिर लिखना प्रारंभ करिए। जो लोग छोटा छोटा लिखते हैं वो 10 पेज छोड़ दीजिए, जो लोग बड़े बड़े लिखते हैं तो वो लोग 15 पेज छोड़ दीजिए, और फिर बाद में जाकर के आप लोग कभी भी वो लेक्चर कवर कर सकते हैं पार्ट 1 से। तो देखिए, भारतीय कलाएं इसमें हम लोग देखेंगे स्थापत्य कला के बारे में, भारतीय स्थापत्य कला के बारे में जिसको आप लोग वास्तु कला के नाम से भी जानते होंगे, वास्तु कला के नाम से भी कुछ लोग जानते होंगे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के नाम से जानते होंगे। तो देखिए, इसको हम लोग हम देखेंगे हमारे भारत में किस तरह से स्थापत्य कला का विकास हुआ।
प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, ओके, किसी चीज का एकदम वेट नहीं करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राचीन काल में हमारी स्थापत्य कला किस प्रकार की थी, कौन कौन सी शैलियां विकसित हुई, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मध्य काल में, ओके, मध्य काल में जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री थी, तो उसमें भी स्थापत्य कला, जो घर मंदिर बनते होंगे, मस्जिद बनते होंगे, कुछ तो बनता होगा ना, तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार की शैलियां उस समय थी। और फिर हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में, मॉडर्न एज में भी हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में। देखिए जो ये क्लासेस हो रही है ना, प्रीमियम से प्रीमियम है, ऐसी वीडियोस आपको नहीं मिला करेंगी, ऐसी क्लासेस आपको नहीं मिला करेंगी, इसलिए अच्छे से पेशेंस के साथ नोट करिए, ओके। 10 लोग भी अगर अच्छे से नोट करेंगे ना, तो समझ लीजिए हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो गया, ओके। 100 लोग अगर ऐसे देखते हैं घूमते टहलते हुए, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। आप लोग प्रॉपर ऐसे नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए अगर हम प्राचीन काल में बात करें कि हमारी स्थापत्य कला किस प्रकार की थी, ओके, एक बार देखने रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग नहीं होता है, तो अभी हमें ध्यान नहीं था कि हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी नहीं की थी। देखिए अगर हम प्राचीन काल में बात करें, तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, स्तूपों के बारे में देखेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे स्तूप क्या होता है, लेकिन अगर आप लोग बौद्ध धर्म से थोड़े से रिलेटेड है या फिर ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर स्तूप पाए जाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि स्तूप बौद्ध चैत्य क्या होते हैं। और मंदिर तो मैक्सिमम लोग, मतलब सभी लोग जानते हैं जो भारत में रहता है, अगर वो मंदिर के बारे में नहीं सुना होगा तो समझ लीजिए वो भारतीय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्राचीन काल में स्तूपों का विकास हुआ, हम उसके बारे में देखेंगे। और जो मंदिर है, तो मंदिर प्राचीन काल से ही मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, तो हम मंदिरों के बारे में देखेंगे किस किस प्रकार की शैली का विकास हुआ था प्राचीन काल में। और फिर हम लोग देखेंगे जो चैत्य विहार होते हैं, देखिए चैत्य विहार क्या होते हैं, इनका इनके बनाने का रीजन क्या था, तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर जो भिक्षु लोग होते थे और जो लोग होते थे वो इसमें रहते थे। तो देखिए स्तूप का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, चैत्य विहार का कॉन्सेप्ट अलग देखने को मिलेगा, सब कुछ बताएंगे एकदम जीरो से बेसिक से, ओके। तो इसी तरह से आप लोग लाइक सपोर्ट करते रहे, आप लोगों के लिए प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम से प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। मध्य काल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो मध्य काल में हम देखेंगे कि देखिए अब देखिए अरबों का हल्के हल्के आक्रमण हुआ। अब अरबों का आक्रमण भारत में हुआ था, मध्यकालीन समय था, मध्यकाल था, वो प्रारंभ होने लगा, मेडिवल हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो देखिए फिर वहां की जो संस्कृति थी, वहां की जो शैलियां थी, वो भी भारत में प्रवेश की, तो आप लोग देखेंगे कि नई नई शैलियों का विकास हुआ। तो यहाँ पर अब जो ऊंची ऊंची मीनार थी, वो मीनारें बनने लगी, जो पिलर टाइप का जो होता है आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा आप लोग देखेंगे मेहराव, ओके, तो हम लोग देखेंगे मेहराव के बारे में, मेहराव शैली क्या थी। इसके अलावा जो गुम्मद शैली के बारे में देखेंगे। और जो मकबरा होता है, ओके, मकबरा होता है, जैसे देखिए स्तूप होता है, इसी तरह से आपको मकबरा भी देखने को मिलेगा। स्तूप और मकबरे का निर्माण किस लिए किया जाता था, कि जो एक तरह से समाधि होती है उसी रूप में आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे हिंदू धर्म में समाधियां होती हैं, उसी तरह से मकबरा और स्तूप भी होते हैं। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअली ये थोड़ा सा हैंग कर गया है, ये जो बोर्ड है काफी अच्छी इसमें राइटिंग आती है, अच्छा चलता है, लेकिन ये थोड़ा सा हैंग कर जाता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कभी कभार हैंग कर जाता है, थोड़ा सा हम लोगों से बातचीत भी कर लिया करेंगे, लेकिन ये काफी अच्छा चलता है, इस वजह से इसको चलाते हैं। अब कंप्यूटर हमारे देखिए आ गया, ये वाला कंप्यूटर हैंग नहीं करता है, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, और क्लासेस भी, लाइव क्लासेस अब आपको कितने घंटे की भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। अब देखिए पांचवा हम लोग देखेंगे मस्जिद के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए मध्य काल में इस प्रकार की जो शैलियों का विकास हुआ, इन सभी शैलियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्थापत्य कला है, ये बहुत भारतीय कला ही सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आप लगाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पीटी और प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ना केवल मेंस के लिए बल्कि पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में किस प्रकार की वास्तुकला का विकास हुआ, तो देखिए इसमें नियो क्लासिकल स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, नियो क्लासिकल स्टाइल, ओके, जिसको बोलते हैं प्राचीन, देखिए हिंदी में भी लिख लीजिए प्राचीन यूनान रोम शैली हम लोग देखेंगे, ओके। इसके अलावा आधुनिक काल में कौन आगे थे, अंग्रेज आगे थे, तो अंग्रेज भी अपनी संस्कृति लेके आएंगे, अपनी तरह की जो शैलियां थी वो भी लेकर के आएंगे। तो देखिए भारत में बहुत सारी तरह की संस्कृतियां, शैलियां, धर्म, भाषाएं, विकास हुआ, क्योंकि भारत में
बहुत लोग आए थे समय के साथ में। इसी तरह से अब लोग देखेंगे जो गॉथिक शैली है, गॉथिक शैली है, तो गॉथिक शैली के बारे में देखेंगे तो गॉथिक शैली है ये कौन सी शैली है भाई? ये भारतीय शैली है, इसी को गॉथिक शैली के नाम से जानते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो सार सैनिक शैली है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्तूपों के बारे में। तो स्तूपों के बारे में हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग मंदिरों के बारे में देखेंगे, फिर हम चैत्य विहार के बारे में देखेंगे। तो वन बाई वन हम सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के बारे में। हेडिंग डालिए, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर रहे। प्राचीन प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, और देखिए इसी में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्तूप स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। तो चलिए पहली हेडिंग यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए स्तूप। ओके, इसको बीच में हम लिख देते हैं, आप लोग साइड में लिखना चाहते हैं तो साइड में भी लिख सकते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे स्तूप स्थापत्य शैली या फिर कला, आप जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिए अगर स्तूप का हम बात करें तो प्राचीन काल में स्तूप का मतलब होता था उठी हुई संरचना से, जैसे जो भी उठी हुई संरचना, जैसे आग की बड़ी बड़ी जो लपटें होती थी, बड़े बड़े वृक्ष होते थे, उनको क्या बोला जाता था? स्तूप बोला जाता था। लेकिन कालांतर में आप लोग देखेंगे इसका जो सबसे ज्यादा विकास हुआ वो विकास हुआ बुद्ध संस्कृति में, आपको देखने को मिलेगा। बुद्ध के देखिए जो शारीरिक और परिभौगिक और इससे रिलेटेड जैसे उनकी शिक्षाओं, धर्मों से रिलेटेड यहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। ओके, तो स्तूप का फिर बाद में एक तरह से समाधि के रूप में निर्माण किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्तूप के बारे में। तो देखिए हम स्तूपों में क्या क्या पढ़ेंगे, तो स्तूपों में हम एकदम जीरो से यानी कि बेसिक से आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संकल्पना के बारे में, संकल्पना एवं स्तूप जो स्तूप हैं उनकी जो बनावट है उसको हम देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे स्तूपों के प्रकार के बारे में, जैसे कि चार प्रकार के होते हैं, शारीरिक, परिभौगिक और उद्देशिका, और साथ में आपको देखने को मिलेगा जो पूजार्थक बोलते हैं, जो पूजा के लिए स्तूप बनाए जाते हैं। तो चार प्रकार के आपको स्तूप भी देखने को मिलेंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा विकास के जो चरण हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और फिर हम देखेंगे जो हमारे जो स्तूप हैं उन स्तूपों में किस प्रकार का दर्शन है, हम लोग दर्शन की भी बात करेंगे, और फिर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। ओके, तुलनात्मक अध्ययन जैसे कि सांची भरहूत का और अमरावती का जो स्तूप है उन तीनों को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम महत्वपूर्ण जो स्तूप हैं, महत्वपूर्ण स्तूपों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए इधर हमारा फोटो आ रहा होगा इसलिए हम इधर लिख देते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा सांची का स्तूप। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा भरहूत का स्तूप, और आपको देखने को मिलेगा जो अमरावती का जो स्तूप है इनके हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संकल्पना एवं बनावट के बारे में, फिर हम लोग वन बाई वन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए हम आपसे बोले थे एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ाएंगे, अगर आप लोग नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, वैसे थोड़ा फिर लिखने की हैबिट डालिए थोड़ा, क्योंकि मेंस भी आपको क्वालिफाई करना है। पीटी तो आपका पहला एक छोटा सा चरण होता है, इंपॉर्टेंट तो क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, मेंस होता है। ओके, तो थोड़ा सा स्पीड के साथ में आप लोगों को लिखना प्रारंभ करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है, पहली हेडिंग डालनी है संकल्पना एवं बनावट के बारे में। ओके, संकल्पना एवं बनावट, किसकी संकल्पना और बनावट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं?
हम यहाँ पर स्तूपों की संकल्पना और बनावट की बात करेंगे। तो देखिए, पहले आपको थोड़ा सा स्तूप के बारे में बताते हैं, किस तरह से आपको स्तूप दिखाई देता है। ओके, फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो चलिए पहले आप लोगों को पहले स्तूप दिखाते हैं। अगर हमारे पास कोई यहाँ पर इमेज पड़ी हुई हो तो दिखाते हैं। वैसे हमने बहुत सारी इमेजेस ली तो हैं, लेकिन बस एक सेकेंड रुकिएगा, आप लोगों को दिखाते हैं। कोई एक अच्छी सी इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। चलिए, एक्चुअली कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली ये नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये वाला बोर्ड नया है ना, तो मुझे थोड़ा काम चलाना आता है। चलिए यहाँ पर गूगल से ले लेते हैं, कहीं पर होंगी। देखिए, जो वाली इमेज देनी थी वो तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये वाली ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो देखिए इसमें एक मोहतरमा भी दिख रही है, तो ले लेते हैं। जो हमारे ठर की स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा ये वाला अच्छा लगेगा, तो ये वाला ले लेते हैं। एक्चुअली हमारे जीवन में अधिकांश मिलते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर दोस्त हो, बहुत ठरके मिलते हैं। आप लोगों के पता नहीं दोस्त ठरके हैं नहीं है। हमारे दोस्त है वो तो बहुत ज्यादा ठरके देखने को मिलेंगे। वो इंस्टाग्राम पर हम उनको पता चल गया कि इंस्टाग्राम पर भी मेरा एक ऑफिशियल चैनल बना हुआ है क्लब आईएएस से, तो वहां पर अब वो मुझे टैग करते हैं। वो है नहीं, वो एक बहुत ज्यादा चल रहा है, आपने देखा होगा, अरे यही तो है मुस्कान का आशिक, मुझे टैग करते रहते हैं पता नहीं क्यों। तो मैंने फोन करके पूछा था अपने दोस्त से कि मुझे भाई टैग क्यों करता रहता है, तो वही बार बार वीडियो पर। और उसने सभी फ्रेंड से फोन करके बोला बोला कि मुझे टैग करने के लिए। तो मैंने कहा यार तो क्यों परेशान करता रहता है मुझे, आखिर ये तो बता ये मुस्कान कौन है। अब देखिए, हम इतने ज्यादा तो एक्टिव रहते नहीं, अगर आप लोग जानते हैं कि मुस्कान कौन है, यही तो है मुस्कान का आशिक, लेकिन यही नहीं पता कि मुस्कान वाला मैटर क्या है, समझ भी नहीं आता है, और सभी वो टैग करते रहते हैं, बड़े नालायक दोस्त हैं। तो देखिए आपको, देखिए इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए इस तरह से आपको कुछ स्तूप देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसका एक मूल भाग होता है जिसको आप लोग अंड के नाम से जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे, अभी हम आपको बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, अंड बोलते हैं। ओके, और देखिए अंड के बाद में आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो इसको हरिमिका बोलते हैं, और हरिमिका के बाद ऊपर आप लोग आएंगे तो इसको छत्रावलिया बोलते हैं। ओके, इन सभी का अपना अपना रीजन होता है, मतलब बहुत सारे इनके पीछे तर्क दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, वो हम सब लोग बात करेंगे। ओके, इसके अलावा देखिए सामने आपको एक द्वार दिख रहा होगा जहां पर ये मोहतरमा एकदम खड़ी हुई हैं, तो इसको बोलते हैं तोरण द्वार बोलते हैं। ओके, ये तोरण द्वार होता है, ये पत्थर के स्तंभ होते हैं, उन्हें काट करके बनाया जाता है। और यहाँ पर आपको समानता चार आपको द्वार देखने को मिलेंगे। समानता हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समानता चार ही द्वार होते हैं। ओके, लेकिन किसी किसी में आपको ज्यादा भी देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए चार द्वार होते हैं, ये चार द्वार चारों दिशाओं में होते हैं, मतलब एक दिशा के लिए एक द्वार आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से चारों तरफ आपको इस तरह से वेदिका होती है, ये भी पत्थरों से काट करके बनाई जाती है। चारों तरफ इस वेदिका से ये अंडा घिरा हुआ होता है, और इधर आपको घूमने के लिए इस तरह से रास्ता मिलेगा कि आप लोग इसके गोल गोल घूम सकते हैं, इसको दक्षिणा पथ मार्ग बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ स्तूप दिखाई देता है, ये तो समान संरचना होगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से आर्टिस्ट तो आप है नहीं है, आर्टिस्ट सर भी आर्टिस्ट नहीं है, आप भी आर्टिस्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक समान सा एक छोटा सा एक यहाँ पर हम लोग मैप बना लेते हैं। ओके, क्या कर लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं, मतलब डायग्राम बना लेते हैं कि उसके बारे में। तो चलिए एक आपको सरल टाइप का एक यहाँ पर डायग्राम बनाना सिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये अंड, मतलब जो बीच वाला पार्ट था वही क्या है, ये अंड है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
अंड बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? अंड बोलते हैं। और फिर इसके अंड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से हरिमिका बनी होती है। ओके, क्या बनी होती है? इस तरह से हरिमिका बनी होती है। ओके, आप लोग भी इसी तरह से देखिए मैप बनाइएगा। ये भी पत्थर के आड़े तिरछे पत्थर होते हैं, उन्हीं से ये बनाई जाती है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, आज आपको आर्टिस्ट भी बना दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा बनाना सीखिए, हमको भी ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है। फिर उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से इसमें छत्रावलियां होती हैं, इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा, छत्रावलियां होती हैं। ओके, और देखिए अब इनका मतलब भी समझ लीजिए भाई। देखिए जो मेन वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? अंड बोलते हैं। ओके, और फिर अंड के बाद में आपको देखने को मिलेगा ए, इसको बोलते हैं हर्मिका। इसको क्या बोलते हैं? हरिमिका बोलते हैं। और देखिए जो ये ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं छत्रावलियां। क्या बोलते हैं? छत्रावलियां बोलते हैं। चलिए हम तीनों का मतलब देख लें। देखिए अंड का मतलब होता है, ये प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। ये किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। अब देखिए शांति वो वाली शांति नहीं है, आप लोग और किसी शांति की बात करने लगे हैं, ये शांति पीस वाली एकदम जो आनंद देती है। ओके, वो वाली शांति की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अंड का आशय होता है, मतलब प्रतीक होता है, इस शांति का प्रतीक माना जाता है। जो हरिमिका होती है ये पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। किसका? पवित्रता। ओके, पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। तो देखिए पीटी में पूछा जाता है, मेंस में तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ये तो आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन पीटी में पूछ लिया जाता है। और जो छत्रावलियां होती है शिक्षाओं का प्रतीक होती है। किसकी? शिक्षाओं का, शिक्षाओं का प्रतीक होती है। देखिए ये पीडीएफ भी आप लोगों के लिए मिल जाएगी, जो लोग पीडीएफ चाहते हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये मिल जाएगी। और देखिए जो तोरण द्वार होता है, चलिए उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए किस तरह से तोरण द्वार बना हुआ होता है, तो कुछ इस तरह से आपको तोरण द्वार देखने को मिलेगा। अब देखिए हम ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि आरजी सर तो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, आपके आरजी सर ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट नहीं है एक्चुअली, इसीलिए हमको थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। आप लोग तो फटक से बना लेते होंगे, बैठे बैठे कुछ कुछ लोग तो होंगे वो हमारा चेहरा भी बना लेते होंगे। ओके, तो कोई बात नहीं, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं लेकिन हम नहीं है। देखिए इस तरह से आपको ये तोरण द्वार आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से तोरण द्वार होते हैं और इस तरह से ये पत्थरों के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ओके, अभी हम आपको दिखाई थे, फिर से दिखा देंगे, एकदम परेशान नहीं होना है। इसको इसी को बोलते हैं तोरण द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई? तोरण द्वार बोलते हैं, तोरण द्वार बोलते हैं। ओके, और ये क्या है? ये स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये है स्तंभ। और ये स्तंभ भी किसका बना हुआ होता है? स्तंभ भी पत्थर का ही बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ऊपर होता है जिसको पदिकाएं बोलते हैं, इस तरह से दिख रहा है, इसको पदिकाएं बोलते हैं। एक्चुअली हैंग कर गया, एक सेकंड रुक जाते हैं। चलिए थोड़ा सा पानी ले लेते हैं जब तक। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्तंभ। ओके, और इसी तरह से देखिए ये आपको इस तरह से दिख रहा है, इसको बोलते हैं पदिकाएं। क्या बोलते हैं? इसको पदिकाएं बोलते हैं। ओके, जो तोरण द्वार होता है ये किसका प्रतीक होता है? ये जो तोरण द्वार होता है ये दिशा का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? ये दिशा का प्रतीक आपको देखने को मिलेगा। तो पूछा जा सकता है तो आप लोग आराम से बता देंगे, जो तोरण द्वार होता है ये किसका प्रतीक होता है? दिशा का प्रतीक होता है, दिशा का प्रतीक होता है। ओके, और देखिए दिशाओं की अगर हम बात करें तो आपको कुछ इस तरह से दिशाएं देखने को मिलेंगी। इधर ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ देखने को मिलेगा, इधर ईस्ट देखने को मिलेगा और इधर आपको वेस्ट देखने को मिलेगा। देखिए जो नॉर्थ है इसी नॉर्थ के लिए सोम माना जाता है। क्या माना जाता है? सोम माना जाता है। और इसके लिए यम माना जाता है, इसको इंद्र माना जाता है ईस्ट को।
और देखिए जो बेस्ट है इसको क्या माना जाता है, बरोड़। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। ओके, तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और देखिए वेदिका होती है, वेदिका जो चारों तरफ से आपको दिखाई थी पत्थरों की बनी हुई, जिससे अंड घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, वो वेदिका होती है। चलिए हम लोग वेदिका भी बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको वेदिका दिखाई देगी, चारों तरफ होती है ये बनी हुई। ओके, और देखिए बीच में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं सारे स्तंभ। देखिए कुछ इस तरह से आपको वेदिका देखने को मिलेगी, ये क्या है, वेदिका है। ओके, चलिए आप लोगों के लिए एक बार फिर से दिखा देते हैं, वरना आप लोग सोचेंगे ये क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पर ही आपको बता देते हैं ये क्या है, तोरण द्वार आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से तोरण द्वार आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये क्या है, ये तोरण द्वार आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या है, चारों तरफ इस तरह से ही बना हुआ, ये क्या है, ये आपको अंड देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए इसके चारों तरफ क्या है, ये इस तरह से बना हुआ, ये वेदिका आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, ये आपको चारों तरफ इस तरह से वेदिका देखने को मिलेगी। और ये क्या है, आपको हरमिका देखने को मिलेगी। और ऊपर ये क्या है, छोटी सी आपको छत्रावली आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से कुछ स्तूप होता है। चलिए स्तूप के बारे में आप लोग देख लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे पहले संकल्पना एवं बनावट के बारे में हम लोग देख रहे थे, इसमें आपको नोट कर लेना है थोड़ा सा। ओके, संकल्पना एवं बनावट में पहले थोड़ा सा नोट कर लेना है, फिर हम लोग देखते हैं स्तूपों के प्रकार के बारे में। जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा सा लिखिए, ये सब कुछ आप बना चुके होंगे, बहुत अच्छे आप लोग आर्टिस्ट हैं। तो लिखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ, स्तूप का शाब्दिक अर्थ थूप थुआ या ढेर होता है। ओके, थूप थुआ या ढेर होता है। देखिए थूप को किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। देखिए जो भी कठिन शब्द आपको लगते होंगे वो हम यहाँ पर लिख दिया करेंगे, थूप थुआ या ढेर होता है। स्तूप समाधि के प्रतीक स्थापत्य संरचना होते हैं, स्तूप समाधि के प्रतीक स्थापत्य संरचना होते हैं। देखिए कॉल आ रहा था, कोई बात नहीं। प्रतीक स्थापत्य संरचना होते हैं जो किसी मृत संत या आचार्य की जो किसी मृत संत या आचार्य की स्मृति में आचार्य की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेष या शारीरिक अवशेष या पवित्र सामग्री के ऊपर बनाए जाते हैं, पवित्र सामग्री के ऊपर बनाए जाते हैं। और आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, पैराग्राफ चेंज करके आप लोगों को लिखना है, स्तूपों का मूल भाग अंड कहलाता है, स्तूपों का मूल भाग अंड कहलाता है, जो अर्ध गोलाकार किस तरह का दिखता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना है। यह है अर्ध गोलाकार या उल्टे कटोरे जैसी संरचना होती है, यह है अर्ध गोलाकार या उल्टे कटोरे जैसी संरचना होती है। अंड के ऊपर हर्मिका बनी होती है, अंड के ऊपर हर्मिका बनी होती है जो आड़े तिरछे पत्थरों से बनाई जाती है, जो आड़े तिरछे पत्थरों से बनाई जाती है, जो
आड़े तिरछे पत्थरों से मनाई जाती है। इसके सर्वोच्च भाग पर छत्रावलियां बनी होती हैं। इसके सर्वोच्च भाग पर छत्रावलियां बनी होती हैं। स्तूप के चारों ओर एक घेरा मनाया जाता है। स्तूप के चारों ओर एक घेरा बनाया जाता है, जिसे वेदिका या रोलिंग कहते हैं। वेदिका भी पत्थर के विभिन्न स्तंभों एवं वेदिका भी विभिन्न स्तंभों एवं पटिकाओं द्वारा बनी होती है। स्तूप के चारों तरफ चार प्रवेश द्वार होते हैं। जिन्हें तोरण द्वार कहते हैं। ओके, तो ये आपको इतना नोट करना था। अब हम लोग देखते हैं प्रकार के बारे में, देख लेते हैं स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो स्तूपों के प्रकार के बारे में हम लोग एक लिख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट डालना है। स्तूपों के प्रकार, स्तूप कितने प्रकार के बनाए जाते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्तूप हैं समानता आपको देखने को मिलेंगे, चार प्रकार के स्तूप बनाए जाते हैं। तो देखिए, आपको एक देखने को मिलेगा जो शारीरिक स्तूप होता है। कौन सा? जो शारीरिक स्तूप होता है। ओके, दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो परिभोगिक स्तूप होता है, परिभोगिक स्तूप होता है। ओके, इसके अलावा सी आपको, मतलब तीसरा देखने को मिलेगा, उद्देश्यक स्तूप आपको देखने को मिलेगा। और डी नंबर पे आपको देखने को मिलेगा पूजार्थक स्तूप। क्या देखने को मिलेगा? पूजार्थक स्तूप। ओके, देखिए इसके चारों के बारे में हम आपको बता देते हैं, जब तक हमारे कंप्यूटर भी, मतलब ये टैब भी सही हो जाएगा थोड़ी देर में बोर्ड। तो देखिए, शारीरिक स्तूप वे होते हैं जो शरीर के ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे कोई आचार्य है, संत है, वो जहां पर मर गया है तो जहां पर उसकी समाधि बनाई जाती है तो वहां पर एक स्तूप बना दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शारीरिक स्तूप बोलते हैं। या फिर कई बार क्या किया जाता है, जैसे एक जगह पर किसी का दाह संस्कार किया जाता है, फिर उसकी अस्थियां होती हैं, उसका राख होती है, वो ले जा करके थोड़ी थोड़ी जगह कहीं पर रख दिया जाता है और फिर वहां पर स्तूप बना दिया जाता है, उसको भी बोलते हैं शारीरिक स्तूप बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है परिभोगिक स्तूप। ओके, देखिए यहाँ पर लिख गया, दूसरा होता है परिभोगिक स्तूप। तो एक कौन सा स्तूप होता है? जो शरीर के अवशेषों पर बनाया जाता है। परिभोगिक स्तूप हम उसे बोलते हैं जो उपभोग की जाने वाली वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं के ऊपर अगर स्तूप बनाए जाए। जैसे कि कोई संत है, आचार्य है, वो जिन बर्तनों पर खाता था, जिन कपड़ों पर रहता था, जिस स्थान पर रहता था, ओके, जिन चीजों का परिभोग किया जाता था उसके द्वारा, उसके ऊपर अगर स्तूप बना दिया जाता है उसको बोलते हैं परिभोगिक स्तूप बोलते हैं। उद्देश्य के स्तूप कौन से होते हैं? तो देखिए, उद्देश्य के स्तूप वे होते हैं जिनका प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह पर विभिन्न स्तूपों का निर्माण कराया गया, उन्हें उद्देश्य के स्तूप कहते हैं। ओके, इसके अलावा पूजार्थक स्तूप भी होते हैं। तो पूजा के उद्देश्य से, जैसे मंदिरों में हम लोग पूजा करते हैं, उसी तरह से
पूजा के उद्देश्य से अगर किसी स्तूप का निर्माण कराया जाता है उसको पूजार्थक स्तूप बोलते हैं। ओके, तो चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, बुद्ध या संतों, बुद्ध या संतों के शारीरिक अवशेषों पर, शारीरिक अवशेषों पर बने स्तूप उनको क्या बोलते हैं? शारीरिक स्तूप बोलते हैं। दूसरा, परिभौगिक स्तूप कौन सा होता है? जो संतों द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं पर बने स्तूप। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। जो उद्देश्य के स्तूप होते हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बना स्तूप। ओके, और इसी तरह से जो पूजार्थक स्तूप होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो पूजा के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। पूजा के उद्देश्य से बने स्तूप। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होते हैं? स्तूपों के प्रकार होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप स्तूपों का विकास देख लेते हैं। ओके, कि स्तूपों का किस तरह से विकास हुआ, तो हम विकास के बारे में यहाँ पर देखते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए हेडिंग डालना है। तीसरा हम लोग पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं, कौन सा? स्तूपों का विकास। ओके, तो देखिए, अगर हम स्तूपों के विकास की बात करें तो देखिए, ऋग्वेद में इसका वर्णन, स्तूप शब्द का ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। तो वहां पर इसका जो उपयोग किया गया था वो ऊंची उठी हुई रश्मिका, यानी कि जो अग्नि की बड़ी बड़ी लपटे होती हैं उनके लिए स्तूप शब्द का उपयोग किया गया था। लेकिन कालांतर में, और जैसे कि वृक्ष होते थे बड़े बड़े से, जैसे कि बरगद सा वृक्ष, बहुत बड़े विशाल वृक्ष होते थे, उनके लिए भी स्तूप शब्द का उपयोग किया गया। लेकिन कालांतर में फिर स्तूप शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाने लगा? इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं जो अभी हम आपको दिखाए थे, तो बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म में भी हम देखेंगे विभिन्न कालक्रम में स्तूपों का विकास हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि ऋग्वेद में, यहाँ पर आप लोग ये नोट डाउन नहीं करना है क्योंकि अभी हम आपको ये सब कुछ लिखा देंगे, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा सिनॉप्सिस बना लेना है। 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा चल जाए, ये वाला बोर्ड कुछ ज्यादा ही हैंग करता है, ये राइटिंग इस पे काफी अच्छी आती है लेकिन ये वाला बोर्ड थोड़ा सा हैंग करता है। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जब तक आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ये बोर्ड कहता है ज्यादा पढ़ाई एक साथ नहीं करनी चाहिए, हल्के हल्के करनी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर के करनी चाहिए, बीच बीच में बातें कर लेना चाहिए, जब लाइव हुआ करेंगे तो बातें भी कर लिया करेंगे। ओके, बीच बीच में मैसेज देखने के लिए ये थोड़ा सा रेस्ट देता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर स्तूपों के विकास पर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ओके, तो सबसे पहले जो स्तूप शब्द का वर्णन है, सर्वप्रथम जो चर्चा है वो आपको ऋग्वेद में मिलेगी। ऋग्वेद में फर्स्ट टाइम इसकी चर्चा मिलती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो चर्चा की गई थी वो की गई थी जैसे ऊंची उठी हुई अभिव्यक्तियों से, जैसे कि सूर्य की रश्मिकाएं, जैसे कि जो सूर्य की
रश्मिकाएं होती हैं? इसके अलावा जो अग्नि की ऊंची ऊंची ज्वालाएं होती हैं, अग्नि की जो ऊंची ऊंची ज्वाला होती है, और जो बहुत ऊंचे फैले फैले वृक्ष होते हैं, विशाल वृक्ष जिनको बोलते हैं, फैले हुए वृक्ष जिसको बोलते हैं, ओके, इनके लिए इस शब्द का उपयोग समानता पहले किया जाता था, ओके। फिर विभिन्न राजाओं ने स्तूपों का निर्माण कराया, बुद्ध के लिए, बहुत आचार्यों के लिए भी इनका निर्माण किया जाता था, और कुछ सम्राट जो चक्रवर्ती होते थे, चक्रवर्ती जिनको सम्राट एक तरह से बोल सकते हैं, जो जम्बू द्वीप पर शासन करता था, उसको चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं, तो चक्रवर्तियों के लिए भी यहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया जाता था। लेकिन उस समय स्तूपों का आकार बहुत छोटा होता था, छोटी सी संरचना आपको देखने को मिलेगी, और उसमें समानता नहीं पाई जाती थी। हर चक्रवर्ती राजा के लिए जो बनाए जाते थे स्तूप, वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर बाद में इसका जो विकास होता है, जैसे ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, फिर आपको देखने को मिलेगा कि मौर्य काल में, मौर्य पूर्व काल में, मौर्य पूर्व काल में इसका विकास होना हल्के हल्के प्रारंभ होता है, ओके। इसका विकास हल्के हल्के होना प्रारंभ होता है, और फिर जाकर के आप देखेंगे इसका विकास और थोड़ा होता है मौर्य काल में, मौर्य काल में इसका विकास और होता है। फिर मौर्य काल के बाद में जब मौर्य उत्तर काल आता है, मौर्य उत्तर काल आता है, तो इसमें ये अपने पीक पर होता है, ओके। ये अपने पीक पर होता है, मतलब इनका निर्माण होता है वो अपने पीक पर पहुंच जाता है, और फिर हल्के हल्के इसमें डिक्लाइन होना प्रारंभ होता है, गुप्त काल में इसका डिक्लाइन होना प्रारंभ हो जाता है, ओके। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये क्या होता है, अपने क्लाइमेक्स पर होता है, मतलब चरम अवस्था में पहुंच चुका होता है। और एक कौन सा काल होता है, एक कुषाणों का काल होता है। तो कुषाणों ने बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे स्तूपों का निर्माण भी कराया था, एक कुषाणों का काल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए नोट कर लीजिए थोड़ा सा आप लोग, ओके। तो जो स्तूपों का विकास है वो चार चरण में आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, मौर्य पूर्व काल, फिर मौर्य काल में, मौर्य उत्तर काल में अपनी क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था, फिर गुप्त काल में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा आप लोगों ने सिनॉप्सिस इस तरह से बना लिया होगा, फिर आप लोगों को नोट करना है कि स्तूपों की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में ऊंची उठी हुई अभिव्यक्तियों जैसे सूर्य की रश्मिकाएं, अग्नि की ज्वालाएं और फैले हुए वृक्ष आदि को स्तूप कहा गया है, स्तूप कहा गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध के पूर्व चक्रवर्ती राजाओं एवं संतों के लिए स्तूप बनाए जाते थे, लेकिन स्तूपों का वास्तविक विकास लेकिन स्तूपों का वास्तविक विकास बौद्ध परंपरा में बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ, बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ, जिसको चार चरणों में देखा जा सकता है, जिसको चार चरणों में देखा जा सकता है, जिसको
चार चरणों में देखा जा सकता है, जैसे मौर्य पूर्व काल, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल और गुप्त काल आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर वन बाई वन सबके बारे में देख लेते हैं। मौर्य काल, फिर मौर्य पूर्व काल, मौर्य काल और मौर्य उत्तर काल, आपको वन बाई वन सभी के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो पहले आप लोगों को डालना है प्रथम चरण जिसको बोलते हैं मौर्य काल, प्रथम चरण मौर्य काल। ओके, तो देखिए प्रथम चरण मौर्य काल में आपको देखने को मिलेगा मौर्य की मृत्यु के, सॉरी मौर्य नहीं, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद उनके अवशेषों पर, उनके अनुयायियों द्वारा, अनुयायियों द्वारा आठ स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे, आठ स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे, वर्तमान में ये नष्ट प्राय हो चुके हैं, वर्तमान में ये नष्ट प्राय हो चुके हैं। ओके, दूसरे चरण में चलिए हम लोग आते हैं। दूसरे चरण में मतलब जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण है ये आपको देखने को मिलेगा, ये सॉरी ये मौर्य पूर्व काल यहाँ पर लिख लीजिए, ये मौर्य काल है, ये आपको मौर्य काल आपको देखने को मिलेगा, वो मौर्य पूर्व काल था। ओके, देखिए मौर्य पूर्व काल में आप लोग नोट कर लीजिए, मौर्य परंपरा के, सॉरी मौर्य बार बार आ रहा है, बुद्ध परंपरा के अनुसार, बुद्ध परंपरा के अनुसार अशोक द्वारा, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। देखा बुद्ध धर्म के प्रसार प्रचार में राजाओं का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, अकेले अशोक द्वारा एक दो नहीं 84,000 स्तूप, सोचिए 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। इसमें इसमें सांची का स्तूप जो आपको देखने को मिलेगा, सांची भरहूत चौखंडी आपको सारनाथ में देखने को मिलेगा, चौखंडी जो सारनाथ में आपको देखने को मिलेगा, तथा धर्मराज्य का बौद्ध गया के स्तूप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, धर्मराज्य का बौद्ध गया के स्तूप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अशोक ने नवीन स्तूपों के निर्माण के साथ साथ, अशोक ने नवीन स्तूपों के निर्माण के साथ साथ पुराने स्तूप जैसे कनक मुनि का स्तूप जो निगाली सागर नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये हैंग कर गया था, आप चलने लगे हैं। ओके, ये धर्म राज्य का हम लिखने जा रहे थे यहाँ पर, धर्म राज्य का। ओके, ये सारे आपको स्तूप आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में बौद्ध गया का भी स्तूप, बौद्ध गया का स्तूप, ये किसके द्वारा सभी बनाए गए थे, ये आपको देखने को मिलेंगे अशोक के द्वारा बनवाए गए थे, ये काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो 84,000 बनवाए, 84,000 लिस्ट पढ़ने के लिए बैठने नहीं जाना है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको देख लेना है। इसके अलावा अशोक ने यहाँ पर कुछ का जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि उनकी रिपेयरिंग कराई थी। ओके, तो इसमें रिपेयरिंग कराई तो वो काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, कनक मुनि का स्तूप, कनक मुनि का जो स्तूप है
उसकी एक तरह से रिपेयरिंग कराई थी। ओके, जीर्णोद्धार कराया जिसको बोलते हैं रिपेयरिंग के लिए, जो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, निगाली सागर, निगाली सागर। ओके, जो नेपाल में है, निगाली सागर जो नेपाल में है, इसका क्या कराया, जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार भी कराया। ओके, स्तूप जैसे कनक मुनि का स्तूप जो निगाली सागर नेपाल में है, जीर्णोद्धार भी कराया, जीर्णोद्धार भी कराया, जीर्णोद्धार भी कराया। ओके, तृतीय चरण पर चलिए हम लोग आते हैं, तीसरे चरण पर। तो देखिए तीसरे चरण में, मतलब तृतीय चरण में, तृतीय चरण के जो स्तूप थे, जो आपको मौर्योत्तर काल के देखने को मिलेंगे, मौर्योत्तर, मौर्योत्तर काल के स्तूप। ओके, तो देखिए मौर्योत्तर काल के अगर हम स्तूपों की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा स्तूपों के निर्माण की दृष्टि से, स्तूपों की निर्माण की दृष्टि से, स्तूपों की निर्माण की दृष्टि से मौर्योत्तर या कुषाण काल काफी भव्य काल था। मौर्योत्तर काल या कुषाण काल काफी भव्य काल था। इस काल के पूर्व तथा, इस काल के पूर्व तथा उसके बाद स्तूपों का वैसा, स्तूपों का वैसा निर्माण नहीं हुआ, स्तूपों का वैसा निर्माण नहीं हुआ जैसा इस काल में हुआ, जैसा इस काल में हुआ। इस काल में सुंगों के संरक्षण में, इस काल में सुंगों के, सुंगों के संरक्षण में सांची तथा भरहूत के स्तूपों के, सांची तथा भरहूत के स्तूपों के मूल आकार को 2 गुने से भी अधिक बड़ा बना दिया गया। देखिए इसका निर्माण वैसे तो किसके द्वारा किया गया, अशोक के द्वारा किया गया था, लेकिन इस इनके द्वारा क्या कराया गया, उनका आकार और ज्यादा बड़ा करा दिया गया। तो सांची और भरहूत का जो स्तूप था वो सुंगों के द्वारा उसका आकार बढ़ाया गया था। ओके, सांची तथा भरहूत के स्तूपों के मूल आकार को 2 गुने से भी अधिक बड़ा दिया गया। इस काल में कुषाणों, मतलब कुषाण से यहाँ पर तात्पर्य कनिक से है। ओके, इस काल में कुषाणों, ब्रैकेट में आप लोग कनिष्क लिख लीजिए, कुषाणों द्वारा पेशावर मोहनजोदड़ो, पेशावर मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, पेशावर मोहनजोदड़ो, तक्षशिला यादि में कई स्तूप बनवाए गए, तक्षशिला यादि में कई स्तूप बनवाए गए, कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी में इच्छबाकू तथा सातवाहन शासकों द्वारा, कृष्णा घाटी में इच्छबाकू तथा सातवाहन शासकों द्वारा, सॉरी, शासकों के संरक्षण में, शासकों के संरक्षण में, सातवाहन शासकों के संरक्षण में अमरावती, अमरावती कौमा नागा अर्जुन,
कौमा नागा अर्जुन इसको नागा अर्जुन कोंडा बोलते हैं वैसे, नागा अर्जुनी कोंडा कौमा जगया पेट कौमा गोली कौमा घटसाला घटसाला यादि स्तूपों यादि स्तूपों का निर्माण हुआ यादि स्तूपों का निर्माण हुआ। इस काल के स्तूपों में इस काल के स्तूपों में स्थापत्य के साथ साथ शिल्पकला का अत्यंत मनोरम शिल्पांकन मिलता है। शिल्पकला का अत्यंत मनोरम शिल्पांकन मिलता है अत्यंत मनोरम शिल्पांकन मिलता है। स्तूपों के साथ बुद्ध के जीवन की घटनाओं स्तूपों के साथ बुद्ध के जीवन की घटनाओं कौमा जातक कहानियों कौमा जातक कहानियों कौमा लोक कथाओं जातक कहानियों कौमा लोक कथाओं एवं आम जीवन से संबंधित विषयों आम जीवन से संबंधित विषयों यादि के अनेक शिल्प वेदिकाओं कौमा प्रवेश द्वारों वेदिकाओं कौमा प्रवेश द्वारों पर बने हैं ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं चौथे चरण की। ओके, चतुर्थ चरण जो आपको गुप्त काल देखने को मिलेगा। ओके, गुप्त काल तो देखिए इस काल में आपको देखने को मिलेगा जो स्तूपों का निर्माण था वो डिक्लाइन होने लगा। तो गुप्त काल स्तूप निर्माण का अंतिम चरण था। गुप्त काल स्तूप निर्माण का अंतिम चरण था। इस काल का प्रमुख स्तूप सारनाथ का धमेक स्तूप सारनाथ का धमेक स्तूप एवं मीरपुर खास का अभी देखिए बोट हैंग कर गया वरना लिख देते हैं आप लोगों के लिए। मीरपुर खास का स्तूप जो आपको सिंधु नदी के पास में आपको देखने को मिलेगा, सिंधु क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में है। ओके, कौन सा? मीरपुर खास। मीरपुर खास का जो आपको सिंधु क्षेत्र में वर्तमान के पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ओके, स्तूप है तो कौन कौन से? एक आपको धमेक जो सारनाथ का धमेक स्तूप है वो आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा मीरपुर खास का जो स्तूप है जो सिंधु क्षेत्र में आपको वर्तमान पाकिस्तान में देखने को मिलेगा है। गुप्तोत्तर काल में स्तूप निर्माण परंपरा का
परंपरा का अवसान हुआ। अवसान का मतलब है कमी। ओके, क्या हुआ? अवसान हुआ। अवसान का मतलब होता है कमी। अवसान हुआ मतलब इसका मतलब है कमी हुई। ओके, चलिए एक क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखने के लिए अभी देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तूप, प्रारंभिक स्तूप बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन कौमा लोक विश्वासों और आम जीवन के विषयों के सुंदर मेल हैं, के सुंदर मेल हैं। चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। या फिर आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप कला कौमा लोक विषयों एवं एवं कथनांकों को चित्रित करते हुए आदर्शों की बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं। विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए। ओके, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, जब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें, फिर आप लोगों को इसको लिखाते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसका आंसर लिखिए आप लोग कि स्तूप स्थापत्य कला, स्तूप स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला का भाग होने के साथ साथ मूर्ति कला का भाग होने के साथ साथ परंपरा दर्शन तथा लोक विश्वास की परंपरा दर्शन तथा लोक विश्वास की सुंदर अभिव्यक्ति है, सुंदर अभिव्यक्ति है। स्तूप का निर्माण मुख्यतः, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है आप लोगों के लिए, स्तूप का निर्माण मुख्यतः बौद्ध परंपरा के तहत, बौद्ध परंपरा के तहत किया गया, बौद्ध परंपरा के तहत किया गया, बौद्ध परंपरा के तहत किया गया। स्तूप मुख्यतः नहीं, सॉरी, मूलतः स्तूप मूलतः एक समाधि स्मारक है। स्तूप मूलतः एक समाधि स्मारक समाधि स्मारक समाधि स्मारक है, लेकिन ये विविध पक्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह विविध पक्षों से जुड़े हुए हैं। इसे धरातल पर बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक ना मानकर, इसे धरातल पर
बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक ना मानकर पूर्ण आनंद तथा पूर्ण आनंद तथा ज्योति का प्रतीक माना जाता है। आनंद तथा ज्योति का प्रतीक माना जाता है। इसके विभिन्न अंग अंग प्रत्यंग अंग और प्रत्यंग बौद्ध दर्शन से जुड़े होते हैं। अंग प्रत्यंग बौद्ध दर्शन से जुड़े होते हैं। जैसे 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 छत्र, जो छत्रावली जिसको बोलते हैं, ये बुद्ध दर्शन में हम आपको बताए थे किसका प्रतीक है, शिक्षाओं का प्रतीक है। जैसे छत्र बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है, छत्र बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है, हरिमिकाएं पवित्रता का प्रतीक है, हरिमिकाएं पवित्रता का प्रतीक है, वही अंड शांति का प्रतीक है, वही अंड शांति का प्रतीक है, वेदिका भी पवित्र भूमि का प्रतीक है, वेदिका भी पवित्र भूमि का प्रतीक है, और तोरण द्वार चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों के फैलाने का प्रतीक है, और तोरण द्वार बुद्ध के संदेशों के चारों दिशाओं में फैलाने का संकेत या प्रतीक है। ओके, हम आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, फिर आप लोगों को लिखना है। स्तूपों के साथ लोक प्रचलित विषयों लोक प्रचलित विषयों एवं कथनांकों से संबंधित अनेक शिल्प से संबंधित अनेक शिल्प उकेरे गए हैं, जैसे सांची भरहूत जैसे सांची भरहूत अमरावती यादि स्तूपों में देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। इन प्रारंभिक स्तूपों में बुद्ध के जीवन के इन प्रारंभिक स्तूपों में बुद्ध के जीवन के विविध घटनाओं को हीन यानी तथा महायानी परंपरा में दिखलाया गया है। हीन यानी तथा महायानी परंपरा में दिखलाया गया है।
जैसे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर बहुत सारे वृक्ष हैं, उनको उकेरा गया है, हाथी को उकारा गया है। तो ब्रैकेट में आप लोगों को लिख लेना है जैसे कि वृक्ष, हाथी, अश्व, चक्र यादि, अश्व कौमा चक्र यादि द्वारा लोक जीवन के द्वारा लोक जीवन के विविध विविध विषयों विविध विषयों कौमा विविध विषयों कौमा यक्ष और यक्षणी, यक्ष और यक्षणी कौमा साल भंजिकाएं, साल भंजिकाएं कौमा बौनों कौमा विभिन्न पक्षियों, साल भंजिकाएं बौनों कौमा विभिन्न पशु पक्षियों कौमा विभिन्न पशु पक्षियों कौमा पुष्प एवं लताओं कौमा पुष्प एवं लताओं पुष्प एवं लताओं यादि के अत्यंत मनोरम, यादि के अत्यंत मनोरम शिल्पांकित किए गए हैं, शिल्प शिल्प शिल्पांकित किए गए हैं। शिल्पांकित किए गए हैं, शिल्पांकित किए गए हैं अमरावती में, अमरावती में राजा राजकुमारों, राजा राजकुमारों आम स्त्री पुरुषों, आम स्त्री पुरुषों की मूर्तियों को भी स्थान दिया गया है, की मूर्तियों को भी स्थान दिया गया है, को भी स्थान दिया गया है। भरहूत सांची अमरावती यादि, भरहूत सांची अमरावती यादि। स्तूप में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के शिल्प बने हैं, स्तूपों में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के शिल्प बने हैं। अतः कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है कि प्रारंभिक स्तूप कला, अतः आपको हेडिंग चेंज करके लिखना है या फिर उसी में आपको लिख देना है जैसा आपका मन हो। अतः कहा जा सकता है कि प्रारंभिक स्तूप कला की प्रारंभिक स्तूप कला लोक प्रचलित विषयों, लोक प्रचलित विषयों कथनांकों, लोक प्रचलित विषयों कथनांकों तथा बौद्ध आदर्शों की, तथा बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं, बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक, बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं। सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और आज का लेक्चर है वो आपका यहाँ पर ही फिनिश करा जाता है। कल हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और आपको बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन कल हम लोगों के लिए लिखने के लिए देंगे, जब आपको तीनों स्तूपों में तुलना करा देंगे, क्योंकि आज का लेक्चर को काफी बड़ा हो जाएगा अगर आप पढ़ाएंगे अभी आगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक बात जरूर कमेंट में बताएं कि ऐसे बोल करके बोलते हैं तो आप लोग आराम से लिख लेते हैं, कोई समस्या तो नहीं आती है? अगर समस्या आती होगी तो हम तुरंत पूरा लिख दिया करेंगे। ओके, इस बोर्ड पर अगली बार से नहीं पढ़ाएंगे, दूसरी बोर्ड पर पढ़ाएंगे।
उसमें राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती है, लेकिन वो हैंग नहीं करता, ये बहुत ज्यादा हैंग करता है। तो जैसा आपका हम अच्छा लगे, जैसे कि आप लोग ऐसे लिख लेते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि कठिन शब्द होते हैं वो हम आपको यहाँ पर लिखा देते हैं, सरल होते हैं वो आप आराम से लिख सकते हैं, और बहुत ही स्लो हम लोग हम बोलते हैं, हल्के हल्के आपकी स्पीड है वो थोड़ी सी तेज कराएंगे, आप भी स्लो स्लो बोलेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लिखने में कोई समस्या तो नहीं आती, अगर समस्या आती है तो आप लोग बता दीजिए, तो आप लोगों को चेंज कर दिया जाएगा, जो इस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पर आपको पूरा लिखा दिया जाएगा। ओके, चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। ओके।